ललितपुर में गेहूं की फसल को बेचकर वापस अपने घर जा रहे किसान और उसके बेटे के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने हमला करते हुए दोनों पिता और बेटे को मार मार कर घायल कर दिया। मामला ललितपुर कोतवाली थाना अंतर्गत ग्राम बमहौरी नागल गांव का है, जहां के रहने वाले राम सिंह यादव अपने पुत्र राजा यादव के साथ गल्ला बेचने मंडी गए हुए थे। बताया गया कि जब यह दोनों गल्ला बेचकर पैसों के साथ वापस अपने गांव लौट रहे थे, तभी हाईवे के पास अचानक पहले से घात लगाए आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने बाइक सवार पिता और पुत्र पर हमला कर दिया। दोनों के साथ लाठी डंडों से मारपीट करते हुए किसान से 1,00,000 रुपए लूट लिए गए। इसके बाद दहशत फैलाने के लिए फायरिंग करते हुए बदमाशों ने पिता के पैर में गोली मार दी और हवाई फायर करते हुए वहां से भाग निकले। गंभीर रूप से घायल हो चुके पिता पुत्र को जब क्षेत्रीय लोगों ने देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद दोनों को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर दोनों को झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। तो वहीं पुलिस ने हमलावरों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है। इस घटना की जानकारी होते ही थाने की पुलिस व अपर पुलिस अधीक्षक अवधेश विजेता और सीओ सिटी हिमांशु गौरव जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों से घटना की जानकारी ली। हमारा नाम राजा यादव, राजा यादव। कहाँ के निवासी हो? बमोरी नांगल के। क्या घटना हुई आपके साथ? हम मंडी से पैसे लेके जा रहे थे, तो 4-5 गाड़ियाँ आई, उनने पीछे से फायर किया तो हम लोग रुके नहीं। फिर एक बगल में एक गाड़ी वाला आया, उसने हमारे सर में डंडा मार दिया तो हम गिर गए। फिर हमारे पिताजी पैसे नहीं छोड़ रहे थे तो उसने गोली मार दी, 2-3 फायर करे पहले, फिर उसने गोली सीधी मार दी और पैसे छीन कर भाग गए। इसके बाद क्या किया हम लोगों? इसके पास आस पास के गेहूं काट रहे थे आदमी, उनने फिर इकट्ठा हुए, फिर उनने 100 नंबर को फोन लगाया और 108 नंबर को। लगभग कितना पैसा लूटा आपका? 1,00,000 रुपये। कितने लोग थे? हैं, कितने लोग थे? वे 8-9 लोग थे, 8-10 लोग थे। करीब 1.5 किलोमीटर पहले घटना हुई है आज, जिसमें एक व्यक्ति को गोली मारी गई है पैर में और उसी के पुत्र को सर में डंडे से प्रहार किया गया है। जो भी मजरूब है उनको हॉस्पिटल ले आया गया है। हॉस्पिटल में आने के बाद मजरूबों ने ये बताया है कि उनके साथ कुछ लोग जो है ये मंडी से जा रहे थे, तो कुछ लोगों ने जो है मोटरसाइकिल से उनका पीछा किया और उनके ऊपर जो है डंडे से वार किया और वहाँ पर जो है कुछ हवाई फायरिंग करी और जिसमें से जो है राजा के पिताजी के पैर में गोली लगी हुई है और उनसे करीब, जैसा कि ये बता रहे हैं, कि 1,00,000 रुपए भी उन लोगों ने ले लिए हैं। अभी लूट हुई है सर, क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी जो भी मजरूब है, मजरूब का सबसे पहले ट्रीटमेंट कराया जा रहा है। मजरूबों से बात करके उनके द्वारा जो भी तहरीर प्राप्त होती है अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। अभी मजरूबों ने जिनके नाम बताए हैं उनकी दबिश के लिए टीमें निकल चुकी हैं, जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो सारी की जा रही है। दो लोग घायल हैं जिनकी स्थिति गंभीर है, इनका इलाज किया जा रहा है और इनको रिफर कर दिया गया झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए। न्यूज़ बीके के लिए ललितपुर से मनोज जैन की रिपोर्ट।